सब्सक्राइब कीजिए निगाह न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप IPL के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। IPL 2018 का शुभारंभ 7 अप्रैल 2018 से होने जा रहा है। सभी टीमों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सभी 8 टीमों के कप्तानों की घोषणा भी हो चुकी है। पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान शुरू हुए बॉल टैंपरिंग विवाद के चलते स्टीव स्मिथ से ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी छीन ली गई थी। बॉल टैंपरिंग के इसी विवाद के कारण अब स्टीव स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा है। अब अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्टीव स्मिथ को रिटेन करते हुए 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। IPL 2018 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तान एक चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के प्रतिबंध के बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का कप्तान एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। 2. मुंबई इंडियंस को 3 बार IPL का खिताब दिला चुके रोहित शर्मा इस बार भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। 3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेशक विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाया है, पर कोहली के रुतबे को देखते हुए उन्हें एक बार फिर RCB का कप्तान बनाया गया है। 4. राजस्थान रॉयल्स IPL 2018 में राजस्थान रॉयल्स की वापसी के साथ ही स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान नियुक्त किया था, पर बॉल टैंपरिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद स्मिथ के स्थान पर अजिंक्य रहाणे को राजस्थान रॉयल्स की कमान सौंपी गई है। 5. सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद और IPL 2018 के इकलौते विदेशी कप्तान है, पर बॉल टैंपरिंग की गाज डेविड वार्नर पर भी गिर सकती है। अगर वार्नर को निकाल दिया तो भारतीय ओपनर शिखर धवन को कप्तान बनाया जाएगा। 6. दिल्ली डेयरडेविल्स गौतम गंभीर को दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का कप्तान चुना गया है। 7. कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2018 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम की कप्तान चुना है। 8. किंग्स इलेवन पंजाब माना ये जा रहा था कि किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी युवराज सिंह को दी जा सकती है, पर अब किंग्स इलेवन पंजाब का मोर्चा रविचंद्रन अश्विन संभालेंगे। स्टीव स्मिथ के साथ डेविड वार्नर को भी ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान के पद से हटा दिया गया है। आपके अनुसार क्या अब डेविड वार्नर को भी सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी से हटा देना चाहिए? आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने गा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।